नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं वो मजबूत मनोबल के मालिक होते हैं, और जिनके पास मजबूत मनोबल होता है वो किसी भी काम को या कुछ भी कर लेने के लिए अपने आप में सक्षम होते हैं। दोस्तों ये जो मन है, जो भी कुछ होता है ये मन के द्वारा होता है। तो इस मन को मजबूत बनाने के लिए या फिर इसको ये जितना खुश रहेगा उतना ही ये मजबूत होगा। मन का संबंध सीधा सीधा दोस्तों चंद्रदेव से है, और चंद्रदेव का संबंध पानी से है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में आपको एक बहुत ही सुंदर, सरल और आसान उपाय बताने वाला हूं, जिस उपाय से आपको बहुत सारा फायदा होगा, जिसके ऊपर चंद्रदेव की कृपा होती है, माता लक्ष्मी उसके ऊपर अनायास ही प्रसन्न हो जाती हैं। और आप सभी जानते हैं माता लक्ष्मी धन की देवी है, जिसके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा होती है उसके यहाँ पैसे की कभी कमी नहीं होती। तो ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको और बता दूं, कमेंट बॉक्स में मेरी ही डुप्लीकेट आईडी बना के कुछ फ्रॉड लोग अपना नंबर देते हैं, जिससे हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये नंबर मेरा है, तो उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और उनसे पूजा या हवन के बहाने पैसे ले लेते हैं, उसके बाद उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों सावधान रहे, कमेंट बॉक्स में मैं कभी भी अपना नंबर नहीं देता, तो कमेंट बॉक्स में आए हुए नंबर पे कांटेक्ट ना करें और पैसे देने से बचें। तो चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों ये क्रिया आपको सोमवार की रात, जब आप रात को सोने जाते हैं सोमवार को, उस समय करनी है। दोस्तों आपको एक कांच का ग्लास हो तो सबसे बेस्ट है, अगर कांच का ग्लास नहीं है तो किसी लोटा में या फिर किसी और स्टील के पीतल के किसी भी ग्लास में आप ग्लास को बिल्कुल स्वच्छ करें, साफ ग्लास लें और उसमें स्वच्छ पानी भरें, पीने का पानी, और उस ग्लास में दोस्तों जो हरी इलायची आती है, छोटी इलायची हरे कलर की, जिसको हम पूजा पाठ में यूज करते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ती है, माता लक्ष्मी को हरी इलायची सबसे प्रिय है, वो हरी इलायची आपको लेनी है और उसको तोड़ के उसके जो दाने हैं वो उस पानी में डाल देने हैं। किस समय? जब आप अपने बेड पे सोने जा रहे हैं और उस ग्लास को किसी ढक्कन से ढांक दें, और अपने सर के पीछे, अगर आप बेड पे सो रहे हैं तो बेड के नीचे रखें, बेड के नीचे जगह ना हो तो बेड के अपने सर के पीछे रखें और उसको रात भर उसी कंडीशन में पानी को रखें। अगर आप जमीन पे सोते हैं तो अपने सर से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि वो पानी फैलना नहीं चाहिए या उसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्रिया जब सफल होने पे जितना फल प्रदान करती है, असफल होने पे उससे नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों ये क्रिया बहुत ही सावधानी से करें। आप उस ग्लास को अपने सिरहाने रख के और रात को सो जाए, सुबह उठें
आप उस ग्लास को उठाते कहीं व्यवस्थित जगह रखते, उसके बाद आप नहा धो के जब स्वच्छ हो जाए, आप उस ग्लास के पानी को उठा के पी लेना है आपको पूरा पानी। ग्लास में आप उतना ही पानी रखें जिस पानी को आप एक बार में पी सके। ये क्रिया महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, और वो लोग इस क्रिया को 100% करें कि जिनका मन कंफ्यूज रहता है, वो किसी भी चीज में पूरी तरह से उनका मन नहीं लगता, वो जिस काम को उठाते हैं और थोड़ी सी उसमें दिक्कत या परेशानी होती है तो उनका मन तुरंत किसी दूसरी दिशा में भागने लग जाता है। जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं, अरे बोले ये बिजनेस बराबर नहीं है, अब अपने दूसरा करें, तो ऐसा करते करते लोगों का जीवन निकल जाता है और वो किसी भी जगह अपना मन नहीं लगा पाते, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो, घर परिवार फैमिली कामकाज सर्विस या फिर और भी कुछ आप करना चाहते हैं। अगर आपका मन छलायमान रहेगा तो दोस्तों आप कहीं भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि कहा गया है कि सफलता या सक्सेस रास्ते चलते नहीं मिल जाती, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, और हार्ड वर्क करने के लिए आपके मन की मक्कमता बहुत जरूरी है। तो अगर आपका मन मजबूत होगा तो आप किसी भी काम को करने में सक्षम होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, आप इस पानी को पी जाए और जो इलायची के दाने हैं उनको चबा के और पानी पी जाए, मतलब जो भी मटेरियल है इलायची भी खा लेनी है और पानी पी लेना है, बस आप एक बार इसको करके देखिए, आप स्वयं महसूस करेंगे दूसरे दिन से ही आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपके साथ कोई ऐसी शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है कि जिसमें आपको हर काम में सफलता मिलते चली जाएगी और मन आपका मजबूत हो जाएगा। सोमवार की रात को आपको रखना है और मंगलवार को सुबह आपको वो पानी पी लेना। आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे, जिस काम को हाथ लगाएंगे, आप जो भी करना चाहेंगे, आपके वर्षों से रुके हुए काम सारे काम आपके थोड़े से प्रयत्न से सफल होते चले जाएंगे, और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर चारों तरफ से बरसेगी। आप अगर कभी पैसे से खाली नहीं होगा दोस्तों, पैसे की आवक आपकी चारों तरफ से होने लग जाएगी। तो चलिए इस क्रिया को करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।